अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। खुश आमदीद कहता हूं, आपको वेलकम कहता हूं आपके अपने चैनल सदाए खैर पर। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह की तौफीक से खूबसूरत मसाजिद दिखाने का सिलसिला जारी व सारी है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें इसी तरह रोज़ाना खूबसूरत से खूबसूरत अपने घर दिखाता रहे और हम इसी तरह नई से नई मसाजिद में जाके नमाज अदा करते रहें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तो दोस्तों, आज की मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है। मेरे घर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र है। ये जो शारजा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, इसके आगे आती है इमाम जुजरी मस्जिद और उसके आगे आती है ये मस्जिद, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल आता। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, नई तमीर हुई है, तकरीबन कमोबेश 6 महीने या 1 साल हो चुका है। तो आइए ये खूबसूरत मस्जिद आज आपको दिखाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वो सामने वाइट कलर की आप मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, बस आज वही आपको मैं दिखाने लाया हूं इतना दूर। ये दोस्तों, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल आता और 2022 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तामीर हुई है। ये दोस्तों, मस्जिद में दाखिल होते ही ये मस्जिद का छोटा हॉल है। ये छोटे हॉल का मेहराब,
तो आइए दोस्तों, अब छोटे हॉल से बड़े हॉल की जानिब बढ़ते हैं। माशाल्लाह, दरमियान में चार सुतून और ये इस मस्जिद का खूबसूरत हॉल देखें दोस्तों। इसका गुंबद दोस्तों अंदर से देखने वाला है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। मेहराब और मिंबर, और इसका मेहराब दोस्तों अंदर से देखने वाला, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं। मेहराब की जानिब से खड़े होकर अगर ये खूबसूरत मस्जिद आप देखें तो ये मस्जिद आपको इस तरह नजर आएगी। जी दोस्तों, मैं मस्जिद से बाहर आ गया हूं और अब मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखाता हूं कि ये मस्जिद रात को कितनी खूबसूरत लगती है। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह दोस्तों ये नजारा चेक करें आप। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नजारा है आपकी आंखों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की ये खूबसूरत मस्जिद आज आपने मेरे साथ देखी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज का ये खूबसूरत व्लॉग आपको कैसा लगा। खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद दिखाने का सिलसिला जारी व सारी है। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आप पर हमेशा अपनी रहमत का साया इसी तरह बरकरार रखे। दोस्तों मस्जिद अल अता में आज नमाज मगरिब अदा करके बड़ा ही सुकून मुयस्सर आया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप शारजा से यहाँ सफ़र कर रहे हों इस रोड पर तो इस मस्जिद में एक नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा। जल्द लेके आऊँगा एक और वीडियो, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।